अमृतसर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये प्रेजेंटेशन देखो आप एक बारी, जो पूरा कवर हो रखा है ना वो वेजिटेबल से हो रखा है और इतना सुंदर सजा रखा है यार, जैसे बीच बीच में मिर्च को खड़ा कर रखा है। ₹40 की प्लेट है जिसमें आपको न्यूट्री कुलचा चटनी प्याज मिलने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि बेस्ट होता है जो सिर्फ अमृतसर में मिलता है, वो चीज़ है। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस अभी हमें अमृतसर में, और अमृतसर में एक बहुत ही फेमस न्यूट्री कुलचा वाले हैं हमारे पीछे, वैष्णो न्यूट्री कुलचा। पिछले 30 साल से एक कार्ट है और अमृतसर की ना सबसे फेमस न्यूट्री कुलचा की एक कार्ट है। एड्रेस की बात करूँ तो कटरा जैमल सिंह मार्केट है। ये जैमल सिंह है, जामुन सिंह समथिंग ऐसा कुछ था। थोड़ा एक्सेंट पंजाबी में डिफरेंट होता है, समझना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो भाई आगे ट्राई करते हैं न्यूट्री कुलचा। यहाँ पे मैंने सुना है कि ऑथेंटिक न्यूट्री कुलचा हमें मिलने वाले हैं। ₹40 की प्लेट है। आइए चलते हैं अंदर, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है बुरी लगती है शेयर तो कर ही दीजिए। आइए सो गाइस, ये रही वो कार्ट और मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ। यार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना न्यूट्री मैंने नहीं देखी, और जो ये प्रेजेंटेशन देखो आप एक बारी, आधा जो पूरा कवर हो रखा है ना वो वेजिटेबल से हो रखा है और इतना सुंदर सजा रखा है यार, जैसे बीच बीच में मिर्च को खड़ा कर रखा है। भाई सर कमाल हो, आर्टिस्ट हो आप तो यार, बिल्कुल बढ़िया सजा रखा है आपने। और बाकी फिर रही न्यूट्री, भाई जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि न्यूट्री क्या होती है, सोया की बढ़िया होती है ना सर, सोयाबीन की बढ़िया होती है, तो प्योर वेजिटेरियन ही होता है और काफ़ी हेल्दी माना जाता है। हेल्दी तो खैर बटर ज़्यादा होता है, इसमें भर जाता है पेट। सर थोड़ा चला के दिखाइए एक बारी, हेल्दी तो शायद हेल्दी तो नहीं पर भर जाता है पेट, भर जाता है ना सर, काफ़ी हाँ हैवी हो जाता है, मज़ा आ जाता है इसमें। प्रोटीन और कैलोरीज से भरपूर होता है, ठीक है। और बटर आपने बताया कि अमूल यूज़ चलता है यहाँ पे, कोई बटर यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये तोड़ तोड़ के आप देते होंगे ना ये कुछ कर, मैंने देखा है वैसे भी बीज में अच्छा बिल्कुल ही छोटी न्यूट्री होती है, बिल्कुल छोटी न्यूट्री होती है, दो टाइप की होती है, एक मोटी होती है एक ब्रेक होती है। अच्छा। वो डाली होती है हमने, तोड़ते नहीं है क्योंकि मैंने काफी न्यूट्री वालों को देखा मारते रहते हैं, वो तोड़ तोड़ के पीसेस करते रहते हैं। नहीं वो हमारा काम नहीं है, हमारा शुरू से यही ऐसी चल रही है। अच्छा अच्छा, हमारे पापा भी ऐसे ही बेचते हैं। अच्छा, पर आपने बताया 30 साल हो चुके हैं हमारी जॉब को। अंकल जी पहले 20 साल से संभालते हैं, 20 साल से अंकल जी हमारे, 10 साल मेरे को हो गए यहाँ पे आए। अच्छा 10 साल तो सोनू जी है, पापा जी का नाम आपका वैष्णो है, हमारी। अच्छा। आप जब भी आओ न्यूट्री कुलचा खा के देखो, बहुत अच्छा होता हमारा मार्केट कटरा जैम सिंह चौक चोपड़ा डिजाइनर के सामने मैं खड़ा होता हूँ, आप मार्केट में आओ एक बार जरूर खा के देखो। बिल्कुल बिल्कुल, अब ट्राई करते हैं। ₹40 की प्लेट है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको दो पीस कुलचे मिलने वाले हैं। कुलचे सूजी वाले होते हैं, अमृतसर में मिलेगा आपको, अमृतसर के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अमृतसर से ही सप्लाई होता है, जहाँ बाहर जाना हो तो अमृतसर से ही लेके जाते हैं लोग। अच्छा, चाहे दिल्ली लेके जाओ चाहे जहाँ मर्जी लेके जाओ, यहाँ से जाएगा और लग भी रहे हैं कि कुलचे काफ़ी डिफरेंट है। चलिए अपनी प्लेट लगवाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, बिनोमो, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे। इसके अंदर आप डिफरेंट एसेट्स पे ट्रेड कर सकते हैं, लाइक गूगल एप्पल एंड इवन इन द करेंसीज, और 90% तक प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें आपको फोरकास्ट करना होगा कि आपने जो एसेट चूज करा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। यहां पर मैंने ₹700 की ट्रेडिंग करी, अपना एसेट चूज करा है, और मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, एंड यस इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। एंड अब मैं 24 घंटे के अंदर इन पैसों को या तो अपने पेटीएम में या फिर अपने अकाउंट में विदड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मिनिमम डिपॉजिट ₹350 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके बिनोमो को डाउनलोड करें एंड ₹65,000 अपने डेमो अकाउंट में पाएं, जिससे कि आप प्रैक्टिस ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह इसमें भी थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो मैं चाहूंगा कि अपना कैपिटल ध्यान से इन्वेस्ट। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? तो दोस्तों वेट किस बात का, जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाइए और बिनोमो को डाउनलोड करें। आइए चलते हैं आगे वीडियो में और मजा लेते हैं वीडियो का। तो भैया पैकिंग चल रही है किसी की, आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्री डाल दी है, चटनी प्याज और लाल चटनी, ये गुड़ की चटनी होती है, गुड़ की चटनी होती है, ठीक है, और वो साइड वाली दही धनिया पुदीना, हाँ जी ठीक है, और ये अमूल का बटर इसमें यूज़ होता है। तो ये इतनी पैकिंग कितने की होती है? ये सर ₹20 की पैकिंग होती है, ₹20 की अकेली सब्जी डालते हैं लोग, यहाँ पे खाने के लिए आते हैं ना, रोटी के साथ खाना भी खाते हैं,
केली सब्जी। ठीक है सर, एक बार ये चला भी दिखाइए, प्याज वगैरह ये चटनी में, प्याज किस में, ये पानी में डाले? प्याज में डाला था क्योंकि प्याज खराब नहीं होता इससे, पानी में से डाला। वैसे भी थोड़ा मिर्चीपन कम हो जाता है, तीखापन कम हो जाता है, तीखापन भी कम हो जाएगा और टेस्ट भी आएगा प्याज का। भाई प्याज आप देखते, बाकी चटनी दिखाता हूँ मैं आपको, बस चटनी दिखाई। ये पुदीने की चटनी होती है हमारी, ये अच्छा अनारदाना पुदीना यूज़ किया हुआ हमने। सर थोड़ा चला के दिखाई, ये देखो भाई गाढ़ी सी चटनी है, कंसिस्टेंसी पता चल रही है आपको। और ये मीठी गुड़ की चटनी होती है हमारी, अच्छा बहुत फेमस है ये, सबसे ज़्यादा चटनी लोग यहीं खाते हैं मीठी वाली हमारी। अच्छा न्यूट्री कुल्चा के साथ लाल चटनी का कॉम्बिनेशन दिल्ली में तो नहीं है? नहीं सर, अमृतसर में मिलेगा आपको। आप ट्राई कीजिए और खा के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारी वड़ियाँ जो होती है छोटी होती है, तो हमें उसको छोटे छोटे पीसेज में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी मसालों में क्या क्या ऐड करते हैं? बिल्कुल डार्क कलर है हमारे मसाले, ज़्यादा प्याज अदरक लहसुन टमाटर, इससे ग्रेवी बनती है हमारी ज़्यादा। हमने कोई यूज़ नहीं चीज़ ऐसी की, ज़्यादा प्याज यूज़ किया था हमने। अच्छा, प्याज अदरक लहसुन टमाटर की ग्रेवी हम बनाते हैं। ठीक है सर, काफ़ी डार्क कलर है भाई, बिल्कुल डार्क ब्राउन वाला, जैसे कोई चॉकलेटी ग्रेवी हो। ठीक है, और कुलचा भी एक बार हाथ में दिखाएंगे मुझे, कैसे आपके कुलचे? ये सॉफ्ट होता है, ये देखो प्लेन कुलचा होता है, ये तला नहीं होता। अच्छा, ये फ्राई नहीं होता ये कुलचा, बिल्कुल भी ऐसे गर्म करेंगे मसाले में हम इसको जब भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपनी प्लेट लगवाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो अपनी प्लेट लगने जा रही है, 40 रुपये की प्लेट है, जिसमें आपको न्यूट्री कुलचा चटनी प्याज मिलने वाले हैं। क्या न्यूट्री प्याज और हरी चटनी, लाल चटनी, ये देखनी है एक बार। सर कह रहे हैं कि भाई हमारी लाल चटनी के बहुत दीवाने हैं यहाँ पर, और फिर बटर, ओए होए ये हुई ना बात। ये सजाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता होगा? एक घंटा लगता है। अच्छा। मैंने आपको इसीलिए बोला था एक घंटे बाद ही। जी सर, और ये जो हमारा सही वाला बिल्कुल तरीका होता है न्यूट्री कुलचा खाने का, पहले भिगा कर आपको देते हैं। ज़्यादा तीखा खाना हो उसके लिए ग्रीन चिली होती है हमारे पास, ये ग्रीन। अच्छा ठीक है सर, हम खाएंगे ग्रीन चिली। प्लेट आ चुकी है हमारे हाथ में, और भाई अमृतसर का मतलब जो कहते हैं ना कि बेस्ट होता है, जो सिर्फ अमृतसर में मिलता है, वो चीज़ है। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। तो आ चुकी है हमारी प्लेट। जब मैं इसे दिल्ली में ट्राई करता हूँ तो आप सब कहते हैं कि भाई अमृतसर वाला जो न्यूट्री कुलचा है ना, वो अमृतसर में मिलने वाला है, दिल्ली वाले बराबरी नहीं कर सकते उस चीज़ की। और अभी तक मेरे को जो दिख रहा है ना भाई, कमाल लग रहा है। अब देखेंगे इतना डार्क कलर, देखते हैं टेस्ट कैसा। कुलचा मुझे बहुत डिफरेंट लगा यार, ये एक साइड से थोड़ा ब्राउनिश है, एक साइड से बिल्कुल प्लेन है। अब कुलचा यहाँ पे सीख नहीं रहा, कुलचा डायरेक्ट जो मसाला है न्यूट्री में लग के आ रहा है, बस साइड में रखा हुआ है कुलचा। मतलब आइए ट्राई करते हैं, मतलब ज़्यादा कलाकारी कुलचे के साथ तो नहीं है इधर। वो काफ़ी सॉफ्ट है यार, पतला सा। आइए ज़रा, ये बटरी है ऊपर, इतना सारा बटर डाला है उन्होंने। पहली बाइट में आपको फील होने वाला है, इतना ज़्यादा बटर है इसमें। मैं जो बटर लवर्स है ना, एक्स्ट्रा बटर लग रहा है सच में। न्यूट्री बहुत सॉफ्ट और मसालेदार है, जैसा कि जो हमें लगता है पंजाब का नाम सुन के, यहाँ स्पाइसी चीज़ें मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा चटपटा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सच में। एक बार डाल लेते हैं। हाँ सर, मैं करूँगा अभी। तो भाई सर ने कहा है तो साथ में चटनी ज़रूर टेस्ट करिए यार। तो भाई चटनी में हम टेस्ट करेंगे। तीखा पहले ये स्पाइसी है, चटपटा है, उसको थोड़ा सा खट्टा सा टेक्सचर, खट्टा सा टेस्ट जो प्रोवाइड कर रही है वो ये ग्रीन वाली चटनी कर रही है, क्योंकि इसमें दही ऐड है गाइस, तो थोड़ी सी खट्टी है। पर इनकी लाल चटनी को ट्राई करनी है मुझे, मुझे लाल चटनी दिखाई नहीं यार, जो इन्होंने मुझे कहा स्पेशली भाई लाल चटनी हमारे जरूर ट्राई करें। तो मेरी लाल चटनी देखते हैं क्या टेस्ट प्रोवाइड करती है। और लाल चटनी चले बार ऐसे खाते हैं। ओके, जो कहते हैं सिर्फ मीठा, परफेक्ट मीठा, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, जो परफेक्ट होना चाहिए उतना मीठा है। और कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, कि जो गुड़ है गुड़ी का यूज़ करा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ, जैसे कई लाल चटनी देख रहा हूँ मैं,
भाई मिर्ची उठ जाती है उसमें भी, ये बिल्कुल प्लेन मीठी है। अगर आप सिर्फ खा लेंगे आपकी मिर्ची हट जाएगी पूरी। सो मैं कहूँगा एक अच्छी प्लेट है, 40 रुपीज़ के साथ कमाल की लग रही है। अमृतसर में जो जो मैंने कवर करा है ना, उसमें से मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा वैल्यू कवर करने का वो इसका लगा, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे दिल्ली से, लेकिन इसमें है फ़र्क, ये टेस्टी लग रहा है। तो भाई 40 रुपये की प्लेट हमने ली है, जो कि मुझे कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी लग रही है, और यहाँ पे ऑथेंटिक टेस्ट है। ऑथेंटिक का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डेली में हम आते हैं, टेस्ट वहाँ पे अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि कुलचे में बटर फ्राई कर दिया, कुलचा जो है वो प्याज का फ्राई कर दिया, कुलचे में भी थोड़ा मतलब चेंज लाते रहते हैं। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपल जैसा होता है वैसे मिलेगा, कि कुलचा साइड में रखा हुआ है वो आपको गर्म होकर मिलता रहेगा, और साथ में बाकी आप न्यूट्री देखेंगे तो वो भी वैसी है जैसी होनी चाहिए, ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करिए। टाइमिंग की बात करें, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक है, ये पूरी न्यूट्री ख़त्म हो जाती है सिर्फ 5 घंटे में। आई थिंक 200 से ऊपर प्लेट्स होंगी है, और सिर्फ न्यूट्री लेने के लिए भी यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं। वीडियो लाइक करें और बताएं आपको कैसे लगते हैं न्यूट्री कुलचा, और ऐसी बड़े बड़े वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।